एक मित्र ने लिखा है परम श्रद्धे प्रणाम, एक इंटीमेट सेटिंग में आपने हर स्थिति में प्रसन्न रहने की डिवाइस पर काम करने को बताया। फिर आपने दो ध्यान प्रयोग भी बताए जिसमें संसार को रंगमंच मानकर अपने रोल को श्रेष्ठता से करने की बात बताई और संवेदनशीलता भी बढ़ेगी इसके साथ ये बताया। हर हाल में प्रसन्न रहने और संवेदनशील होने के विरोधाभास को स्पष्ट करने की कृपा करें। अब आज ऐसा लगता है कि मुझे सारे प्रश्न अर्जुनों ने ही लिख कर दिए। प्रसन्न रहना और संवेदनशील रहना, तुम पूछते हो इसमें विरोधाभास, क्या तुम प्रसन्न बिना संवेदनशील हुए हो सकते हो? विरोधाभास कहाँ है? तुम किस प्रसन्नता की बात कर रहे हो जिसमें संवेदनशीलता नहीं होती? एक ही बात है, या तुम प्रसन्न हो तो संवेदनशील हो जाओगे, तुम संवेदनशील हो जाओ तो प्रसन्न हो जाओगे। लेकिन मैं तुम्हारे मन के भीतर चलती हुई बात को समझ पा रहा हूं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम संवेदनशील हुए तो तुम्हें ज्यादा कष्ट होगा, तुम्हें ज्यादा बातें अनुभव में आने लगेंगी, दूसरों के दुख पता चलने लगेंगे, संसार का कष्ट पता चलने लगेगा, तो तुम प्रसन्न कैसे रह पाओगे? लेकिन जब तुम्हें नहीं पता चल रहा है तुम प्रसन्न कहाँ हो? संवेदनशीलता नहीं है तब भी प्रसन्नता कहाँ है? प्रसन्नता को ओढ़ने की चेष्टा है, प्रसन्नता को ओढ़ने की कोशिश है, कृत्रिम मुस्कानों को अपने चेहरे पर चिपकाने की कोशिश है। तुम ध्यानी होगे, तुम सजगता में जाओगे तो संवेदनशील स्वाभाविक रूप से हो जाओगे, तुम्हें बहुत कुछ स्पर्श करने लगेगा। लेकिन उस स्पर्श करने की घटना को ही जीवन कहते हैं, उसे ही जीवंतता कहते हैं। और जितने तुम अधिक जीवंत होगे, अर्थात तुम जितने अधिक संवेदनशील होगे, प्रसन्नता उतनी ही अधिक होगी। प्रसन्नता एक फूल के खिलने की तरह है, लेकिन खिले हुए फूल नाजुक भी होते हैं, मुरझाते भी हैं, उनकी पंखुड़ियाँ बिखरती भी हैं, लेकिन फूल प्रसन्न भी तो होते हैं। कोई चट्टान कहाँ प्रसन्न होती? जीसस, समुद्र मित्र जीसस एक बार एक मार्ग से गुजरते हैं और उनके मार्ग के किनारे लिली के फूल खिले हुए हैं। वो अपने शिष्यों के साथ ठहरते हैं, लिली के फूलों की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये फूल जो इस क्षण हवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, इनका ऐश्वर्य और इनकी प्रसन्नता जितनी बड़ी है, सम्राट सोलोमन भी अपनी पूरी ऐश्वर्यता के साथ इतना प्रसन्न कभी नहीं था, इतना वैभवशाली वो भी नहीं था। फूल का खिलना एक नाजुक घटना है, खिलना सचमुच में एक नाजुक घटना है। स्वयं खिलो तो तुम्हारा खिलना भी कोमल है। ठीक है, अस्तित्व के बहुत सारी चीजें तुम्हें झकझोरेंगी, लेकिन उस झकझोरे जाने में उसमें ही तो आनंद है, उसमें ही तो प्रसन्नता है। इसीलिए अपनी संवेदनशीलता के द्वार को कभी अवरुद्ध मत करो। कई बार लोग जीवित रहने के प्रयास में असंवेदनशील हो जाते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या कि तुम निष्ठुर समाज में रहना चाहते हो तो तुम धीरे धीरे
असंवेदनशीलता की एक परत जमा लेते हो अपने भीतर, और उस खोल के भीतर से तुम ऐसा अनुभव करते हो कि तुम ज़्यादा सहज होकर जी रहे हो। लेकिन तब पूरा जीवन तो विषाद और संताप की कथा हो जाती है। मेरा तुमसे कहना है कि तुम चाहे कुछ क्षण ही क्यों न जियो, लेकिन जियो तो पूरी गरिमा में, पूरी प्रसन्नता में, पूरे ऐश्वर्य में, और शायद वो कुछ क्षण ही इतने गहरे होंगे कि तुम्हारे पूरे जीवन की तुलना में कहीं अधिक बड़े होंगे। ऐसे क्षण अगर किसी के जीवन में आ जाएं तो वो अपना पूरा जीवन दांव पर लगा सकता है। कभी कभी तुम इतने प्रसन्न हो जाते हो, तुम्हारे अंदर इतना आनंद आ जाता है, इतना अतिरेक हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि इस क्षण जीवन समाप्त हो जाए तो मुझे स्वीकार। एक अप्रसन्न व्यक्ति कभी जीवन को दांव पर नहीं लगाता, चाहे जितनी संतापपूर्ण स्थितियां हो, वो जीवन को घसीटता रहेगा, वो घिसटता रहेगा। ध्यानी का एक ही कर्तव्य है कि जीवन को अतिरेक में जिए। अतिरेक में तुम तभी जी पाओगे जब तुम परिपूर्ण संवेदनशीलता में होगे। परिपूर्ण संवेदनशीलता तुम्हें पूरे अस्तित्व के संपर्क में लाएगी। पूरे अस्तित्व का संपर्क तुम्हें और जीवंत बनाएगा, और जीवंत होने की परिपूर्ण स्थिति ही भगवत्ता की स्थिति है, द स्टेट ऑफ गॉडलीनेस। उस अनुभव के साथ तुम जी सकते हो, और वही अनुभव चुनने जैसा है। इसीलिए कोई विरोधाभास नहीं है, वो एक ही बात है, और तुम्हें उसी को जीना है।